माय नेम इज़ अदील और आप देख रहे हैं द बाय माय डूड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्टरलाइजेशन व्हील कटिंग और इसकी सीलिंग की। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के बताऊंगा ये कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास रील आ जाती है जो कि डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती है। इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स पैक होते हैं और ये इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से हम पैक करके डिफरेंट साइजेस के अंदर और हर एक की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करके एक सेट के अंदर मौजूद कर लेते हैं। उसके बाद हम ये हम इस मशीन के ऊपर ले आते हैं, इसको इसके रोलिंग पे चढ़ा देते हैं। डिफरेंट साइज के लगे हुए हैं तो वन बाई वन जिस साइज़ का आपको चाहिए उसको हम इसको स्लाइड करके इसको बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास कटिंग मशीन है। इस कटर को हम स्लाइड करेंगे तो जो इंस्ट्रूमेंट की रील का जो पैक है वो निकल के हमारे सामने आ जाएगा। तो ये आप अपनी जो इंस्ट्रूमेंट है उसके साइज़ के लिहाज से आप डिफरेंट जो है वो उसकी कटिंग कर सकते हैं जितना आपको रिक्वायर्ड है। इसके बाद ये हमारे पास जो है सीलर मशीन आ जाती है जो कि 180 टेम्परेचर के ऊपर सेट है। यहाँ से हम इसको इंसर्ट करेंगे और ये एंड तक चला जाएगा। और ये इसकी सेटिंग है जिसको हम टेम्परेचर को प्लस माइनस करके इसके डिफरेंट मोड्स के अंदर हम इसको सेट कर सकते हैं। इसका ये प्रोग्राम है, यहाँ से अप ऑन डाउन करेंगे तो ये सेट हो जाएगा और इसके यहाँ पे टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2 जो है वो शो करेगा। तो अभी 180 पे सेट है और इसकी जो है यहाँ के जो है आपकी जो रील का साइज़ है कि आपने कितनी इसको सील करना है, कितना साइज़ को सील करना है वो यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं। उसके बाद इस जो पेपर है इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो इसमें ऑटो सेंसर लगा होता है जो कि इसको स्लाइड करने के बाद ऑटो सेंसर चलने के बाद ये इसको प्रॉपर सील कर देता है। तो ये इसका मैकेनिज़्म है और इसके बाद इस ये प्रॉपर सील हो जाता है। इसके अंदर से हवा और बाकी चीज़ें जो है वो नहीं गुजरती और वैक्यूम भी नहीं होता। और ये जो है उसके बाद ये इस शेप में आ जाता है और इसके अंदर जो है वो प्रॉपर हमने सेट पैक कर दिया है और इसकी सीलिंग कर दी है। उसके बाद इसके ऊपर टेप वगैरह लगा के हम इसको इनक्यूबेटर के अंदर चलाते हैं जिससे इसकी जो है वो प्रॉपर इनक्यूबेशन और बाकी स्टरलाइजेशन कंप्लीट होती है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।